देखो आज हमारे पास ना जो कलेक्शन है वो 20 रुपए वाले बॉल पेन्स का है। देखो इस प्राइस पॉइंट पे आके ना आपको बेस्ट तो क्वालिटी मिलती है भाई, बॉडी डिजाइन भी काफी हैवी मिलती है, क्लिप भी आपको मेटलिक मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे, और जो बॉडी का ग्रिप वगैरह है ना वो परफेक्ट होता है। तो आज वही हम लेके आए हैं। आज हमारे पास ना टॉप बॉल पेन्स हैं जो 20 रुपीज में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं आपके नियर बाय भी। अगर आपको अपने वहां पे ना वो ऑफलाइन नहीं मिलते हैं तो हम आपको लिंक्स भी दे देंगे, आप उनको वहां से इजीली ना बाय कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले कि ये जो पेन है वो टॉप कैसे हैं, तो इन पे कुछ टेस्ट हम अप्लाई करेंगे एंड ओवरऑल आपको लास्ट तक पता चल जाएगा यार। एंड देखो स्टेशनरी की दुनिया में पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब के लाल बटन पे जल्दी से जाके अपना अंगूठा टेक के भाई इस दुनिया का हिस्सा हो जाएं। एंड भाई यहाँ पे हर तरीके की स्टेशनरी के अनबॉक्सिंग रिव्यूज आपको मिलते रहते हैं। देखो दोस्तों 20 रुपए में आने वाले ना टॉप बॉल पेन्स में कुछ पेन्स तो वही होते हैं जो आपको 10 और 12 में मिलते हैं, लेकिन वो ना थोड़े अपग्रेड कर दिए जाते हैं। वो कैसे, उनके बिल्ड डिजाइन और रेट्रेक्टेबल वगैरह में मैकेनिज्म दे दिया जाता है। देखो जैसे हो गया पेंटोनिक BRT, भाई नॉर्मल पेंटोनिक आपको 10 रुपए का मिलता है, लेकिन BRT वाला भाई दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है। एंड भाई बी का मतलब है बॉल, RT का मतलब रेट्रेक्टेबल, आपको ये पेन मिल जाएगा। उसके बाद देखो जो ये पैकिंग है ना भाई, नहीं मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है, सिंगल पेन एक राजा की तरह भाई इस बॉक्स में मिलता है और अच्छा भी लगता है जब आप इसको भाई परचेज करते हो। होजर की तरफ से भाई होक मिल जाएगा, प्राइस मैं किसी का बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको पता है सभी 20 के हैं, कोई भी प्राइस पॉइंट अलग नहीं है। भाई फ्लेयर के इंक्लाइन, फ्लेयर वालों का ना काफी ज्यादा पुराना पेन है ये। एंड भाई बिल्ड डिजाइन वगैरह ना काफी ज्यादा सुंदर तो है ही, राइटिंग परफॉर्मेंस भी यार गजब देता है। उसके बाद भाई यूनोमैक्स की तरफ से आने वाले आईबॉल 2X, दिखने में सुंदर चलने में और भी ज्यादा सुंदर, जिन लोगों ने यूज किया है ना सच में यार स्मूथनेस का बादशाह मैं इसे बुला सकता हूँ। भाई फ्लेयर का बुडी 10 रुपए वाला बुडी भाई सच में गजब कर गया, और फ्लेयर का 20 रुपए वाला बुडी ना दिखने में भी बढ़ जाता है और राइटिंग परफॉर्मेंस भी इसकी बढ़ जाती है। हम थोड़ा कंपेयर भी करेंगे वीडियो में आगे चल के कि दिखने में कितना डिफरेंट है और चलने में भी कितना डिफरेंट मिल जाता है। देखो नेक्स्ट सेलो को पेपर सॉफ्ट, भाई पेन को ना कैरी करते हैं तो ही पता चल जाता है कि हाँ यार कुछ थोड़ा महंगा प्रीमियम क्वालिटी का पेन हमने पकड़ रखा है, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने इसको बिल्ड किया हुआ है। रिनॉल्ड्स का लुब्री ग्लाइड, मेटलिक क्लिप वगैरह, बॉडी भी फुल हैवी एंड 20 रुपए भी पूरे वसूलता है, लगता है कि हाँ भाई। देखो एडजेल का सेरेमिक ग्लास, भाई सिल्वर कलर के अंदर ना फुल स्लिम एंड रेट्रेक्टेबल मैकेनिज्म टॉप क्वालिटी की है, तो लगता है कि 20 रुपए में टॉप पेन्स में से एक है। भाई यूनोमैक्स की तरफ से ना आपको अल्ट्रॉन फ्यूजन ग्रिप 3X मिल जाएगा, क्योंकि जो इसकी ग्रिप है ना वो पूरी की पूरी बॉडी पे इसकी पे चली हुई है, और उसके बाद जो इसकी टिप है वो काफी ज्यादा लेंथी है जो कि आपको काफी स्मूथ एंड लॉन्ग राइटिंग देती है। एंड हम इनके रिफिल्स भी चेक करने वाले हैं कि हमें कितनी जंबो साइज की मिलने वाली है। देखो भाई नॉर्मल 100 तो आपने यूज किया होगा, तो भाई मैं कहूंगा कि 100 RT भी यूज करना, भाई थोड़ी इसकी ग्रिप सेक्शन आपको चेंज मिल जाती है लेकिन भाई क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, बल्कि अपर साइड ही हम मान सकते हैं। एंड रेट्रेक्टेबल होने की वजह से आप इसको इजीली कैरी भी कर पाओगे दोस्तों। देखो सारी की सारी ना बिल्कुल टॉप ब्रांड्स है, आप सभी ब्रांड्स को ना जानते हो नाम से, सेलो, रेनॉल्ड्स, होजर, फ्लेयर, पेंटोनिक, यूनोमैक्स, सभी को आप जानते हो। देखो बिल्ड क्वालिटी तो ना सभी की हैवी है, लेकिन आपको जो ये 4 पेन है ये आपको प्लास्टिक क्लिप के अंदर मिलने वाले हैं, पर ये मत समझना कि जो प्लास्टिक है वो इनकी हल्की क्वालिटी के, वो भी भाई काफी ज्यादा हैवी है। लेकिन देखो ये 6 पेन आपको मिलने वाले हैं मेटल क्लिप के अंदर, एंड आपको एडजेल, एक्सो, ये तो रेट्रेक्टेबल मिलेंगे इसके अंदर, बाकी इसके अंदर आपको रेट्रेक्टेबल मिल जाएगा पेंटोनिक एंड यूनोमैक्स। तो 4 पेन हमारे पास रेट्रेक्टेबल हैं और 6 पेन हमारे पास कैप के अंदर हैं। देखो 10 और 20 में जो आपको डिफरेंट मिलने वाला है ना, सबसे पहले तो आपको रेट्रेक्टेबल का मिलने वाला है, उसके बाद देखो बिल्ड डिजाइन वगैरह ना इसकी मेटल में ज्यादा से ज्यादा है, मैकेनिज्म भी काफी सॉफ्ट है। लेकिन जो हमारा 10 रुपए वाला था ना, इसका जो बॉडी का बैरल भी है वो भी काफी ज्यादा मोटा सा है, लेकिन इसका थोड़ा आपको ना स्लिम मिलने वाला है। बाकी देखो टिप का भी डिफरेंट है, इसमें आपको जो मिलने वाली है वो शार्प और निडल सी टिप मिलने वाली है, लेकिन इसके अंदर आपको जो टिप मिलने वाली है वो कौन टिप मिल रही है। देखो रिफिल में भी काफी ज्यादा डिफरेंट है दोनों की, 10 रुपए में जो आपको वुडी में मिलती है वो ये रिफिल मिलती है काफी ज्यादा लेंथी, लेकिन 20 रुपए में जो आपको मिल रही है ना भाई वो ये मिल रही है। इसमें ना इंक वगैरह तो काफी ज्यादा कम है और साइज भी काफी ज्यादा छोटी सी है, बस ये थोड़ा साइज इसका मोटा मिल जाएगा। तो राइटिंग वगैरह लॉन्ग राइटिंग में तो मुझे लग रहा है भाई ये जल्दी खत्म हो जाएगी, क्वांटिटी कम ही है इसके अंदर इसके कंपेयर तो। देखो दोनों 100 का भाई कलर तो आपको डिक्टो सेम मिलने वाला है, लेकिन ग्रिप सेक्शन इसका तो सेम, देखो आपको बॉडी बैरल जैसा मिलता है, कोई भी डिफरेंट नहीं है मैटी सा। लेकिन भाई इसका देखो बॉडी बैरल तो सेम है ही, लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने ना यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है जिससे आपकी ग्रिप वगैरह और अच्छी हो जाती है। एंड देखो जो इसका मैकेनिज्म है ना भाई बुडी के कंपेयर तो काफी ज्यादा हार्ड है, वो काफी ज्यादा सॉफ्टली वर्क कर रहा था। देखो नॉर्मल 100 में आपको काफी ज्यादा लेंथी साइज की रिफिल मिलने वाली है, लेकिन इसके अंदर देखो काफी ज्यादा छोटी रिफिल मिल जाती है। एंड भाई देखो सेम ही साइज है, मतलब इसका जो डायमीटर है ना वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है मतलब मोटाई में,
और यहाँ पे देखो आपको ना इसके अंदर टिप के अंदर तो काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको कॉन टिप मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको निडल टाइप की सी टिप मिलती है लेंथ ही सी साइज की। तो स्मूथनेस वगैरह का डिफरेंट देखने से पहले तो मुझे भाई यहाँ पे थोड़ा सा ये कि रिफिल यार थोड़ी सी ना लेंथ ही होनी चाहिए इसके अंदर। पता नहीं ये चीजें मैकेनिज्म की वजह से भी इसको इस तरीके से रेडी करना पड़ता है, तो थोड़ा यार जंबो साइज की कर देनी चाहिए इसको ना इसके अंदर। देखो भाई नॉर्मल पेंटोनिक के कंपेयर ना भाई मुझे आरटी वाला काफी ज्यादा अच्छा लगा। देखो काफी ज्यादा कर्व सी यार एक बॉडी है जो ऐसे लगती है कि हाँ यार कोई प्रीमियम क्वालिटी का पेन है। एंड देखो जो इसकी रबर है ना वो भी भाई काफी ज्यादा मैटे सी है और हार्ड है, जिससे आपका हाथ वगैरह फिसलने का तो डर भूल ही जाओ। एंड देखो इसकी जो टिप है वो भाई सबके अंदर ना आपको कॉन टिप मिलने वाली है, लेकिन 10 रुपये में मिलती है आपको भाई निडल टाइप की सी टिप। एंड इसका जो मैकेनिज्म है वो प्लास्टिक में है पूरा का पूरा क्लिप के साथ। एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा 0.7, लेकिन भाई 10 रुपये में ना आपको 0.6 mm की टिप मिलती है। देखो उसके बाद आपको भाई लगभग सेम दिखने वाले हैं फ्लेयर का इंक्लाइन और भाई सेलो का पेपर सॉफ्ट, लेकिन भाई साइज का डिफरेंट देखो। फ्लेयर का इंक्लाइन ना काफी ज्यादा लेंथी है, तो आप समझ सकते हो इसकी इंक भी ज्यादा होगी क्योंकि साइज से भाई। एंड उसके बाद देखो ये ना छोटा सा है, लेकिन भाई दिखने में काफी ज्यादा प्यारा लगता है। पेपर सॉफ्ट की जो आपको टिप मिलने वाली है ना वो लेंथी सी और छोटी सी मिलने वाली है। ग्रिप सेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा राउंड से बॉडी कट किया हुआ है। उसके बाद देखो फ्लेयर का इंक्लाइन भाई काफी हैवी तो बॉडी है ही है। एंड देखो इसका ग्रिप सेक्शन ना उससे भी ज्यादा मतलब अपर साइड की तरफ इन्होंने निकाला हुआ है, वो थोड़ा क्या था कि प्लेन से थे, लेकिन यहाँ पे आपकी ग्रिप और भी अच्छी बन जाएगी और टिप उससे भी ज्यादा लेंथी है, जिससे लॉन्ग राइटिंग वगैरह में ना आपको बहुत अच्छी ये परफॉर्मेंस देता है। देखो भाई सेरेमिक अपर क्लास काफी ज्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी है भाई, पूरी की पूरी बॉडी मेटल में मिलने वाली है। क्लिप की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, मैकेनिज्म भी भाई वुडी से तो मैं अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन भाई एक्सो से काफी ज्यादा बेस्ट है और काफी ज्यादा लग रहा है कि हाँ उस पर मेटल में अच्छे से यूज किया हुआ है। यूनिबॉल का भाई आई बॉल 2X को तो कंपेयर कर सकता हूँ मैं पेंटोनिक के साथ। देखो सेम ही सा है, उतना कुछ डिफरेंट है नहीं, बस अगर ये कि चीजों को ब्रांड को छिपा दूं ना तो पता नहीं चलेगा। बाकी इसका यहाँ भी ऊपर इन्होंने मैकेनिज्म भी मेटल का यूज किया, यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक का किया था, तो उससे क्या है कि कॉस्ट कटिंग होती है, थोड़े पैसे बच जाते हैं ब्रांड के। उसके बाद देखो यहाँ पे जो इसका वो है ना ग्रिप भी, उसमें भी इन्होंने इस तरीके से डिजाइन बनाए हुए हैं, लेकिन ये हमें पूरा प्लेन मिलने वाला था। यहाँ पे और भी अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन जो इसकी टिप है वो छोटे सी साइज की मिल जाएगी। बाद इस कलेक्शन में हमारे पास ये 3 बैन बसते हैं। रेनॉल्ड्स का लुब्री ग्लाइड भाई बॉडी डिजाइन वगैरह दिखने में तो उतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है, एंड यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि एक तरीके से मतलब इसको कर्व सा दे के करना चाहिए था स्टार्ट, या थोड़ा शार्प सा यहाँ पे टिप दी, एंड टिप भी आपको यहाँ पे देखो जिगजैग सी मिलेगी। उसके बाद इन्होंने पूरा एक साथ बॉडी को स्टार्ट कर दिया। ग्रिप वगैरह भी नॉर्मल रबर में मिलने वाली है, मतलब 20 रुपये के हिसाब से यार राइटिंग परफॉर्मेंस अच्छी दे दे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन भाई बिल्ड डिजाइन वगैरह ना तो थोड़ी महंगी लग रही है उस हिसाब से। देखो यूनो मैक्स का भाई अल्ट्रॉन फ्यूजन ग्रिप 3X, पूरी की पूरी बॉडी ना भाई रबर से इसकी कवर है, तो वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और देखो टिप भी काफी ज्यादा लेंथी है, आप कितना ही ऊपर से पकड़ के लिख लें तो भी भाई आपको रबर का फील तो ये देने वाला है लास्ट तक। उसके बाद देखो भाई होजर का हॉक पेन ना काफी ज्यादा वेट में भारी सा है कि लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसके अंदर जंबो रिफिल का यूज किया है। देखो ग्रिप सेक्शन आपको रबर ही मिलने वाली है ज्यादातर 20 रुपये में, टिप भी काफी ज्यादा लेंथी है, एंड पेन का जो कलर है ना वो यार मिट्टी मिट्टी सा काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी पेन के डिजाइन वगैरह मैं कहूँ तो यार 15 रुपये की सी है। राइटिंग की शुरुआत करते हैं रेनॉल्ड्स लुब्री ग्लाइड से, तो भाई ब्लैक कलर का पेन है हमारा लुब्री ग्लाइड, क्योंकि आपको बॉडी से अंदाजा लग गया हो गया। तो भाई लुब्री ग्लाइड के अंदर ना राइटिंग परफॉर्मेंस हमने इतने सारे पेन से लिखा है, तो पेन तो ठीक है लेकिन भाई 20 रुपये वसूल नहीं कर रहा है ना, तो इसकी राइटिंग ने उतना मतलब स्मूथनेस मुझे दिया है। ओ भाई देखो इंक कितनी ज़्यादा समझ हो चुकी है, तो भाई 20 रुपये में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गलती से टपक गया है, लेकिन भाई मैं कह नहीं सकता क्योंकि टॉप पेन्स में से एक है, पर फिर भी इस हिसाब से इसने परफॉर्मेंस लिखी है ना तो भाई टॉप की सूची से तो बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारा भाई टॉप के अंदर से ना टॉप निकालने वाला है। देखो सेकंड लिया यूनो मैक्स का फ्यूजन ग्रिप 3X, ओ भाई सच में देखो रेनॉल्ड्स को ट्राई किया था ना अभी, तो भाई रेनॉल्ड्स को तो इतना प्रेशर लगा के मैं पेज पे रन कर रहा था, लेकिन भाई ग्रिप 3X ना खुद से ही पेपर पे भाग रहा है भाई। इसका समझ टेस्ट और मैं करूँ कि इंक और समझ फ्री मिल जाए, तो भाई इंक समझ फ्री नहीं कह सकता, लेकिन भाई रेनॉल्ड्स लुब्रिक लाइट से कंपेयर करूँ तो भाई उससे तो काफी ज्यादा बेस्ट है, और स्मूथनेस तो भाई काफी ज्यादा टॉप लेवल की है, थोड़ी इंक पे ये 2-4% और काम करना पड़ेगा यार। थर्ड होजर हॉक, तो भाई होजर हॉक थोड़ा स्टार्टिंग में ब्रेक सी इसने ली, पर उसके बाद कोई ब्रेक नहीं लिया, नॉन स्टॉप पेज पे चलने लगा है। इंक है वो समझ फ्री है होजर के पास, तो भाई यार हाँ देखो बिल्कुल नॉमिनल सी समझ हुई है, लेकिन इन दोनों से कंपेयर करूंगा ना तो भाई टोटली बीट कर दिया उनको, और स्मूथनेस में भाई रेनॉल्ड्स को तो बीट कर दिया, लेकिन जो स्मूथनेस उसकी टिप से मिली थी भाई यूनो मैक्स की से उसको तो नहीं बीट कर पाया भाई। देखो एडजेल का सेरेमिक क्लास 4 नंबर पे, ओ भाई सच में देखो पेन से ना स्मूथनेस तो गजब मिल रही है, लेकिन थोड़ा ग्रिप सेक्शन क्या है कि काफी ज्यादा चिकना सा है, तो हो सकता है कि थोड़ी लॉन्ग राइटिंग वगैरह में आपके हाथ से ना फिसलने में दिक्कत होगी, तो आप ज्यादा नहीं लिख पाओगे, लेकिन भाई
इंक भी देखो भाई बराबर हुजर होक के समझ हुई है, उतनी मैं नहीं कहूंगा कि इसे समझ फ्री हम कह दें। बाकी यार मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी है कि ना परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, स्मूथनेस है ना वो भाई टॉप दी लेवल है। एंड पेन यार दिखने में मेटल का है तो फील दे रहा है कि 20 से भी ज्यादा रुपए का है, तो भाई आप ले सकते हो अगर आपको मिलता है तो, मुझे तो पसंद आ गया। देखो यूनो मैक्स का आईबॉल 2x से देखते हैं कैसी राइटिंग मिलती है। तो ये हमारे पास ना ब्लैक कलर के अंदर है, तो भाई देखो पेन ना सच में यार मजा आ रहा है लिखने में, ऐसे लग रहा है कि चाहे मुझसे कितना ही लिखा लो, क्योंकि यार जो पेन अच्छा होता है ना तो वो भाई बिल्कुल समझ फ्री इंक। अभी तक 4 के बाद जब इसने दिया है ना जो परफॉर्मेंस, भाई टोटली बीट किया है ऊपर वाले पेन्स को, तो मजा आ गया यार सच में। अगर आपको बेस्ट पेन की तलाश है ना तो भाई आपके लिए बेस्ट रहेगा यूनिबॉल का आईबॉल 2x ना, 0.7 mm टिप के साथ ना स्मूथनेस टॉप लेवल की मिल गई है भाई। उसके बाद फ्लेयर वुडी को देख लेते हैं नाप के कि ये कैसी हमें राइटिंग देने वाला है। तो भाई फ्लेयर वुडी तो अच्छी देता है, लेकिन भाई जो RT वाला है ना 20 रुपए वाला, नहीं भाई रेनॉल्ड्स लूब्री ग्लाइड से मुझे कंपेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई फ्यूजर एड जेल आईबॉल 2x भाई ये टोटली इससे ऊपर थे। एंड इसकी जो शेड सी है ना वो भी वैसी बन रही है डबल डबल सी। इंक समझ फ्री मैं अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा और इंस्टेंट में देखता हूँ क्योंकि टाइम मिल गया इसको, तो भाई नहीं है देखो समझ फ्री इंक उस हिसाब से नहीं है, टाइम दे दो 2 सेकंड का तो सूख जाएगी। लेकिन ये इंक्स भी तो है भाई जो तुरंत सूखी थी, तो स्मूथनेस की भी थोड़ी कमी लगी यार इसमें। देखो भाई सेलो का पेपर सॉफ्ट, हमने सेलो के एक प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, थोड़ा इसने स्टार्टिंग में ब्रेक ले ली, वो भी आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई सेलो पेपर सॉफ्ट एक अच्छा पेन है, लेकिन भाई मैंने अभी तक 6 चलाए हैं ना, तो यार उस कदर मुझे उतना नहीं लगा कि मैं इसकी कहूँ कि हाँ आप इसे लो, क्योंकि और भी पेन्स हैं भाई इसके कंपेयर, तो कंपैरिजन के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंक भी थोड़ी सी समझ जो देखने को मिली है, स्मूथनेस की भी ना हल्की सी कमी है भाई यूनो मैक्स के कंपेयर एंड भाई होजर के कंपेयर एड जेल के कंपेयर, क्योंकि थोड़ा प्रेशर से ये पेन चल रहा है। 8 नंबर पे हमारा फ्लेयर इंक लाइन, तो भाई फ्लेयर इंक लाइन की ना जो ग्रिप है वो तो काफी अच्छी है ही। देखो राइटिंग परफॉर्मेंस के लिए भी ना भाई मैं इसको बेस्ट पेन कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि जो स्मूथनेस है ना वो काफी अच्छी है। और इंक भी भाई समझ फ्री नहीं मिली है, थोड़ी सी समझ हो गई है, लेकिन भाई 1-2 सेकंड के अंदर ये सूख जाती है। बाकी पेन ना बिल्ड डिजाइन वगैरह और उसके राइटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से पूरे भाई 20 रुपए वसूलता है। तो भाई होजर के 100 से देखते हैं, नॉर्मल वाला 100 तो भाई जी तोड़ के राइटिंग करता है, होजर 100 भाई ये भी ना आपको रेट्रेक्टेबल भी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है, कोई ऐसी शिकायत वाली इसने अपनी बात रखी नहीं है सामने। और इंक तो भाई काफी ज्यादा समझ हो चुकी है, लेकिन स्मूथनेस की अगर मैं कंपेयर करने जाऊं ना भाई, तो इंक लाइन और हमारे यूनोमैक्स आईबॉल 2x को तो नहीं बीट कर पाया है, बाकी तो भाई काफी उसे अच्छा ही निकला यार। देखो भाई 10 नंबर पे हमारा लास्ट पेंटोनिक है, भाई पेंटोनिक की जो ग्रिप है ना वो थोड़ी सी मोटी है, मतलब आपको देखना पड़ेगा, राइटिंग परफॉर्मेंस तो स्मूथ मिलने वाला है इसके टिप से, लेकिन कई लोगों को होता है ना कि लॉन्ग राइटिंग वगैरह के लिए ग्रिप उनको दिक्कत देने लगती है, स्लिम से लिखना उन्हें ज्यादा पसंद आता है, तो भाई वो इसे ना लें। लेकिन जिनको चाहिए भाई रेट्रेक्टेबल में ग्रिप मोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, टिप इसकी आपको कर्व मिल जाती है जिससे भाई स्मूथनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो पेन से लिखने में ना सच में यार टॉप लेवल का मजा आने वाला है। इंक भी समझ फ्री टोटली तो नहीं है, लेकिन भाई 95% तक मैं इसे कह सकता हूँ कि समझ फ्री मिलने वाली है। और भाई स्मूथनेस तो यार अच्छे अच्छे का रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है भाई, यूनोमैक्स का आईबॉल 2x तक फ्लेयर इंक लाइन सभी की आपस में टक्कर कराऊं तो मैं भाई बराबर ही मिलेगी यार इनकी। देखो इस कलेक्शन से जो टॉप 3 पेन निकल के आए ना भाई, वो एक तो यूनोमैक्स का आईबॉल 2x, पेंटोनिक का BRT एंड फ्लेयर का इंक लाइन, तो भाई ये तीनों पेन ना काफी अच्छी क्वालिटी दी है, बाकी सारे के सारे भाई 1 नंबर से रह गए हैं, तो भाई उनको हम नहीं कर पाएंगे। बाकी टॉप 10 पेन है वैसे, लेकिन भाई टॉप 10 के अंदर भी अगर हमने कंपैरिजन किया तो ये टॉप 3 इसके अंदर निकले हैं। आपको कोई भी परचेज करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड अब आपको कमेंट करके बताना है कि 20 रुपए में आने वाला आपका फेवरेट पेन कौन सा है, आपने इनमें से कौन सा पेन यूज किया हुआ है, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना पेन जरूर शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए वो भी आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में चाहिए 5-10-15 रुपए वाले बॉल पेन, या आपको किसी भी सिंगल ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, तो सभी के वीडियो भी ना आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।